बकरा इसमें मटन नहीं आता, वो वाला टेस्ट आ रहा हल्का सा। ठीक है भाई साहब, और टैग करो उस बिरयानी लवर को साथ में मटन अटन जिसकी पार्टी ड्यू हो। तो हेलो दोस्तों, हम लोग आज आए हुए हैं शूट कर रहे बिरयानी। अरे चैनल तो दूसरा है क्या यार? ये चैनल भी दूसरा है, जगह भी दूसरी है और प्लेस भी दूसरा है, और शूट करने वाले नॉनवेज तो हमें अगर आप पहचान रहे हैं तो मुझे आपने देखा होगा EFT में। लेकिन आज मैं आया हुआ प्रयागराज के चटोरे के चैनल में, और आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि आपको एकदम मज़ा आ जाने वाली है। दिखाएंगे बिरयानी, दिखाएंगे कलेजी। कलेजी जी हाँ, कलेजी जो इलाहाबाद में हर जगह नहीं मिलती वो यहाँ मिलती है, और प्राइस भी हम बताने वाले हैं, टेस्ट भी बताने वाले हैं। बाकी लोकेशन की बात सबसे पहले करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं प्रयागराज के चटोरे। ठीक है, नाम चेंज नहीं भाई, याद करा है मैंने, ये लाइन मजाक नहीं होगा, याद किया। तो ये है इनके स्टॉल। स्टॉल के अगर लोकेशन में आपको बताऊं तो जस्ट पीछे आप देख रहे हैं लक्ष्मी टाकी चौराहा। ठीक है, लक्ष्मी टाकी चौराहे से आप लगभग 20 मीटर या 100 कदम आगे आएंगे तो आपको ये स्टॉल दिख जाएगी पप्पू चिकन बिरयानी के नाम से। नाम बिरयानी है लेकिन बिरयानी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, जैसे कि इनके पास कलेजी मिल जाता है जो नहीं मिलेगा आपको कहीं। मटन कलेजी मिल जाएगी बट चिकन कलेजी नहीं मिलेगी, साथ में इनके पास मटन मिल जाता है। सुबह से टाइमिंग रहती है, कचहरी के पास दुकान है तो भीड़ चौचक रहती है, आपको जल्दी आके ट्राई करना है, अदरवाइज मिलने वाला कुछ नहीं है। आइए बात करते हैं भैया, कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या रेट है, क्या क्या मिल जाता है, तो आइए बात करते हैं। आइए, ये दुकान कितनी पुरानी हो गई आपकी? हमको तो अभी कुछ ही दिन पहले पता चला इनके मुखार बिंदु से, हमने सुना कि भाई यहाँ पे नई दुकान खुली हुई है, तो बताइए कितने दिन हो गए दुकान? नहीं नहीं है सर, ये हो गया 13 साल। हम लोग बचपन में साइकिल का स्टैंड टूट जाता तो गैस वेल्डिंग कराने यहाँ आते थे, तो दुकान तो लिखती थी लेकिन हमको लगता था कि शायद अच्छा यहाँ माहौल वाला काम भी हो जाता है। कौन सा माहौल वाला? माहौल वाला नहीं, नहीं वो वाला नहीं होता ना, नहीं होता, इसीलिए हम दिखाने आए हैं भाई माहौल वाला काम नहीं। कितने बजे सुबह दुकान लगती है? 10 बजे से लगता है, माल सब यही बनता है। अच्छा, सामान आ जाता है तो सब कुछ यही तैयार होता है? जी जी, सब सामान आता है यही दर पर और सब माल यही तैयार होता है हमारा। अच्छा अच्छा, और शाम को 5 बजे बंद हो जाती है। 5 बजे बंद हो जाती है? 10 बजे से 5 बजे तक की टाइम। अच्छा, एक टाइम वो वाला बता दीजिए जब तक सब कुछ मिल जाएगा हमारे पास। 11 बजे के बाद आएंगे तो रोटी मटन चिकन पूरे आइटम मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए हम 4 बजे बोल रहे हैं, 4 बजे आएंगे तो सब कुछ मिलेगा कि कुछ कम हो जाएगा? 4 बजे आएंगे तो उसमें थोड़ा कम हो जाएगा, कुछ आइटम नहीं मिलेंगे। जी, जैसे मटन है, कलेजी पत्ती, ये सबका डिमांड ज्यादा रहता है, जल्दी खत्म होने वाले आइटम, तो वो वाला टाइम बताइए जब तक सब मिल जाएगा। बता दो ना, 11 बजे से आइए, 3 बजे तक हमारी कस्टमर जो है सब माल रेडी रहता है, और 3 बजे के बाद थोड़ा सब डाउन हो जाता है भाई। 3 बजे तक आइए आप, तो वो टाइम है खुलने का टाइमिंग, तो इसके बंद होने का टाइमिंग तो ऐसे है 4 बजे। 4 बजे बढ़ाते हैं दुकान, लेकिन आप 3 बजे तक आएंगे तो आपको तक माल पूरा रेडी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। रोटी बिरयानी तैयार कर रहे हैं, खुशबू इतनी तगड़ी आ रही है मुंह में पानी भी, लेकिन आपको पहले बताना है तब। और ये चिकन है, चिकन का रेट क्या रहता है? हमारा 240 रुपए प्लेट है, 120 का हाफ प्लेट, 120 का हाफ प्लेट। थोड़ा चला वाला के दिखाइए हमारे व्यूअर्स को कि भाई क्या है टेस्ट। ये है चिकन 140 का। अच्छा, मटन भी रहता है आपके पास? मटन भी रहता है। मटन का क्या रेट है? मटन हमारा 300 रुपए प्लेट है, 150 का हाफ प्लेट। हाफ प्लेट में कितनी पीसेस आती हैं? 2 पीस बड़े रहते हैं, 4 पीस फुल में रहते हैं, फुल में रहते हैं। और उसके अलावा कलेजी इम्पोर्टेंट आइटम भाई, आ जाइए, कलेजी अपनी है लोगों की और हर जगह मिलती भी नहीं है, हर जगह मिलती नहीं और बनाने की हर जगह। ये है कलेजी भाई साहब, कलेजी आप देख लीजिए एकदम टेम्पटिंग लग रही है। और ये चिकन कलेजी है, मटन कलेजी में भी मिल भी जाएगी बट चिकन चिकन परमानेंट रहता है, थोड़ा वो रहता है आर्डर पर। नहीं, और जगह आपको मटन कलेजी मिल जाएगी लेकिन चिकन कलेजी नहीं मिलेगी, नहीं मिलती हर जगह। तो भाई आज हम लोग क्या क्या ट्राई करने वाले हैं? चिकन बिरयानी ट्राई करेंगे ही, साथ में मटन भी ट्राई करेंगे। बाकी चिकन तो है ही है इनके पास, एक आदमी कितना ही खाएगा? एक आदमी नहीं, 2 आदमी है, एक हाफ में हमारा समय 2 आदमी खा लेते हैं आराम से, आराम से एक हाफ में 2 आदमी खा सकते हैं, खा लेते हैं। अब क्या चाहिए, तो हम 2 लोगों का काम तो कलेजी पत्री में ही हो जाएगा ना। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग चीजें ट्राई करेंगे, तो बिरयानी खिलाइए अंकल जी हमें, बिरयानी टेस्ट करिए और मटन खिलाइए। और साथ में क्या रहता है? रोटी है, बाकी सब आइटम मिलेगा खाने में जो रहता है, सलाद, चावल भी रहता है, चावल है, रोटी है, चावल रोटी दोनों मिल जाती है। बिरयानी एक बार आप देखकर दिखा दीजिए, ये बिरयानी अंकल जी की, और एकदम प्याज वाज ऊपर से पड़ा हुआ है, खुशबू बहुत तगड़ी आ रही है, और उधर हाफ डन है। ठीक है, दम बिरयानी वाली, ये दम बिरयानी है। चलिए ठीक है अंकल जी, फिर टेस्ट कराइए, लगाइए। तो भाई हम लोग ये पहली चीज तो लगी मटन, और मोहित भाई ने स्टार्ट किया वीडियो, तो भाई साहब वीडियो जानदार होने वाली है। साथ में भाई साहब देख रहे हो, नल्ली अल्ली का पूरा हिसाब किताब रहता है यहाँ पे, और प्रॉपर देसी हिसाब किताब है साथ में, यही सारी चीजें ट्राई करते हैं आराम से। और देखो कुकर में भाई साहब घर वाला फील लग रहा है मुझे देखने में, तो क्या ही चीज बोला है, मजेदार लगने वाला देख। बाकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन भाई हमारी है लक्ष्मी चौक की
चौराहा, साथ में पीछे लक्ष्मी कैंपस भी है, तो काफी लोग जानते होंगे। साथ में भाई स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी डील है ये। मेनली स्टूडेंट्स के लिए मैं ये चीज लेके आया हूँ क्योंकि स्ट्रीट्स में भाई ये चीज है, साथ में स्टूडेंट्स के लिए चीज है, तो मजेदार होने वाला भाई। अब जल्दी से बहुत लोगों की भूख लगी है तो ट्राई करते हैं, अब बताते हैं भाई। वैसे भी डेंगू के बाद उठे थोड़ी सी ताकत भी चाहिए और आप लोग को भी दिखाते हैं इसका क्या हिसाब किताब है। मेकिंग तो क्या, हम लोग ने जो हाफ डन वाला सीन था उसको देख लिया, साथ में लगवा लिया अपने लिए एक प्लेट। और भाई साहब हम लोग ने लिया हाफ डन क्योंकि यहाँ दो लोग को, दो लोग के लिए हिसाब किताब बराबर है भाई। और साथ में तवा रोटी भाई साहब मेरे को देखने को मिली, काफी अच्छी चीज लगी क्योंकि काफी जगह मिल जाती तंदूरी। साथ भाई मटन की ग्रेवी देख के तो मतलब अच्छा लग रहा है, प्रॉपर घर वाला हिसाब किताब लग रहा है। तो ग्रेवी देख रहे हो कितनी थिक है, साथ में भाई साहब काली में चकरा भी मुझे दिख रहे हैं जल्दी से, किसकी नली अल्ली सारी चीजें मिल रही, देख रहे हो एकदम मजे से भाई। साथ में पीस देखो, मेन होता ही सारे पीस देख रहे हो, सब घर वाला हिसाब किताब है। चाप वाला पीस है, साथ में जो रेडनेस है जूसीनेस वो काफी अच्छी, तो एक अच्छी सी बाइट बनाते हैं और अपने लिए खा के बताते हैं कैसा क्या सीन है। पीस जो है प्रॉपर एकदम सॉफ्ट है, साथ में जो मसालों का फ्लेवर आ रहा है वो काफी अच्छा रूम एक साथ में आ रहा है। उभर के मतलब जो घर वाले मसाले नहीं होते हैं, हल्का सा गरम मसाला उस टाइप का है। और साथ में यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करा सकते हो, तीखा या फिर हल्का फीका करना चाहते हो तो वो है। प्रॉपर मतलब घर वाला हिसाब किताब समझ रहे हो, वो वाला सीन है। बाकी अब अगली जो चीज है उसको दिखाते हैं क्या लगता है। बता दिया, टेस्ट भी कर लिया और एक निवाले में ही लग रहा है उनको, सब चीज का टेस्ट इतना जबर आया हुआ है कि सारी डिटेल मिल गई है। हमारे पास बस ज्यादा डिटेल होगी नहीं क्योंकि देखने से देखिए मीट जो है एकदम पिंक लग रहा है। और जो मीट का मेजरमेंट है ना वो ऐसा ही होता है कि अगर मीट जो है बाहर से पिंक है और सॉफ्ट है तो ये मान के चलिए कि मीट फ्रेश है। ये देख रहे हैं हल्की सी पिंकिश मीट और साथ में ग्रेवी देखिए भाई साहब, ग्रेवी में आपको ये है चर्बी, देसी भाषा में समझिए चर्बी। आयुष भाई की जरूरत भी है, डेंगू हो गया था उनको तो इसकी जरूरत भी है उनको। और ये देखिए नली दूरबीन टाइप, नली में कुछ है नहीं लेकिन शो पीस दिखाने के लिए काम आएगी, ठीक है। देखने में भाई आप इसी को देख के तो आओगे, नली वाला सामान, ठीक है कोई बात नहीं, आइए ट्राई करते हैं इसको। ये चाप वाली पीस है और भाई सॉफ्टनेस डिपेंड करती है मीट की सब कुछ पे। ये देखिए, देख रहे हैं व्हाट अ मटन भाई साहब, 150 रुपए में दो पीस, अब क्या चाहिए भाई, आ जाओ अब टेस्ट बताते हैं। मीडियम स्पाइसी, जो ज्यादा स्पाइसी खाना चाहता है माहौल के साथ हल्का सा तीखा करा ले। बाकी जिस क्वांटिटी में दिया गया है, ये क्वांटिटी देखिए आप, ये क्वांटिटी दो लोगों के लिए सफिशियंट है, ठीक है। बैठने उठने की जगह है बस, हाँ ये है कि जब भीड़ वाला टाइम हो जाएगा तो हाथ में लेके खाना पड़ेगा, अदरवाइज बैठने उठने की मस्त जगह है, यहाँ बैठिए देसी तरीके से, यही सामने बनता है, यही सामने खिलाया जाता है। टेस्ट जबर है, मतलब मैं ये कहूंगा कि मटन का टेस्ट मटन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, जैसी मटन की क्वालिटी वैसे मटन का टेस्ट, मटन की क्वालिटी एकदम जबर है मटन अच्छा होगा, ठीक है। तो आप ये देख लो, दूसरी कोई पीस दिखा देते हैं, आपको विश्वास होगा नहीं हमारी, कहाँ होगा हमारी बात पे विश्वास, हम दिखाएंगे तभी होगा। ये देखिए ये है 150 रुपए का मटन, ये देखिए देख रहे हैं छूते ही टूट रहा है भाई साहब, छूते ही टूट रहा है, ये देखिए गजब। और ये तेल नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि ऑयल है, ये ऑयल नहीं है, ये चर्बी है जो इसमें पड़ी हुई थी और ये गल गई है, ठीक है। जैसे बकरा इसमें मटन नहीं आता, वो वाला टेस्ट आ रहा हल्का सा, ठीक। तो मटन खा लिया, बिरयानी टेस्ट करके बताते हैं।
हाफ में दो पीस रहते हैं। बिरयानी हम लोग की ये प्रॉपर देसी हिसाब किताब वाली बिरयानी है। आप लोग कोई फैंसी फूड वाला इस पे इसे नहीं दिखेगा। साथ में ऊपर देखो एकदम फ्राई वाली प्याज डाल के दिया, साथ में मिर्ची भी दिख रही है भाई मुझे तो भाई गजब चीज। साथ में अंकल ने भी बोला कि तरी डाल के खाना तो एक अलग मजा आएगा साथ में। पहले एक तरी डाल के ले लेते एक बाइट, फिर ऐसे दिखाते हैं क्या हिसाब किताब रहता है इनका। जो मतलब थोड़ा सा ग्रेवी वाला चीज खाना चाहते हैं वो तरी डाल सकते हैं, बाकी आप ऐसे भी खा सकते हैं। बाकी बात करें राइस की, तो राइस की क्वालिटी ऑन एवरेज है अकॉर्डिंग टू रेट, तो वो हिसाब किताब। बाकी जो पीस है, जो मेन गेम होता है बिरयानी में, पीस करो, पीस दिखाता हूँ। तो पीस जो है इस टाइप से, बाकी भाई फ्रेशनेस दिख रही है और जूसीनेस दिख रही है। मसाले इनके अंदर तक एकदम मैरिनेशन पीसेस के अंदर तक है, जूसीनेस भी प्रॉपर है, साथ में मसालों का जो फ्लेवर है वो काफी उभर गया। तो भाई मेरे हिसाब से स्ट्रीट और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेस्ट प्लेस है। क्वालिटी भी आपको मिल रही है, क्वांटिटी भी भर भर के है। लेकिन लाइक कमेंट शेयर करके बताना, बाकी आप लोग विजिट जरूर करना इस प्लेस पे। और स्ट्रीट्स है भाई साहब, और टैग करो उस बिरयानी लवर को, साथ में मटन अटन जिसकी पार्टी डी हो गई, सस्ते में एक अच्छा मजा मिलेगा आपको। खाना पीना हो गया भाई, भाई साहब टेस्ट काफी A1 था। साथ में मैं एक दो चीजें रिकमेंड करूंगा, उसको आके आप जरूर ट्राई करना। जैसे होगा इनका मटन ग्रेवी वाला, साथ में भाई अभी लास्ट में इनके एडॉन का यार कलेजी जबरदस्ती अंकल ने खिलाया, और नेचर काफी हम्बल है, साथ में बिरयानी। तो ये दो से तीन चीजें काफी अच्छी लगी, और आप लोग भी आके ट्राई करना। बाकी अब जैसे जैसे ठंडी आएगी वैसे वैसे इनके और भी चीजें आएगी, तो उसको भी दिखाएंगे अगली वीडियो में। सब बात करें रेट्स की, तो रेट्स भी काफी अफोर्डेबल है। साथ में जैसे मटन वो इनका 150 रुपए का हाफ है, जिसमें आपको पीसेस आपको दिखाई दे रहे हैं जानदार शानदार पीस। साथ में चिकन भी आपको 120 रुपए मिल जाएगा, साथ में चिकन कलेजी पोटला हो गया वो भी 120 रुपए का। सर बिरयानी भाई साहब 70 रुपए में, मतलब 200 रुपए में आपका काम 35, दो लोग के लिए आराम से इंजॉय कर सकते। साथ में शाम वाले सीन के लिए भी कलेजी ले आप आराम से ले जा सकते हो, साथ में शाम के लिए भी आप ऑर्डर दे सकते हो कि शाम वाला अगर सीन करना है, समझ रहे हो ना। बस वही सारा हिसाब किताब है, बाकी आओ। हो भाई आयुष भाई ने ट्राई किया, सब कुछ बता दिया है, हमने भी ट्राई किया, और मैं एकदम जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मटन आप यहाँ पे, मैंने सब कुछ खाया लेकिन मैं मटन को स्पेसिफिकली रिकमेंड कर रहा हूँ। रीजन ये ना कि मटन का इनका टेस्ट एकदम, जैसे कहते हैं ना कि चुन के लाए हों, एकदम फ्रेश मटन, ताज़ा घर वाला टेस्ट। और ये जो चर्बी डाल के बनाते हैं ना, वाह 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 भाई साहब, एकदम हिल जाओगे अंदर से। और उसके अलावा ये कि अपने हिसाब से आप ड्राई सूखा ग्रेवी वाला माहौल के हिसाब से भी आप चेंज करा सकते हो। बाकी इनके पास कलेजी भी मिल जाती है, चिकन भी मिल जाती है, बाकी सब आयुष भाई ने आपको सारी डिटेल दे ही दी। तो आना इसे ट्राई करना, जितनी भी डिटेल होगी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। जैसा लगेगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, इस तरीके की कोई और रिकमेंडेशन होगी तो आयुष भाई को जरूर मेंशन करना कि भाई इस तरीके की रिकमेंडेशन और जगह है, इस जगह की दुकान और भी जगह है। बाकी आयुष भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल को भी, ईट वी ट्रीट, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आयुष भाई के साथ।